नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा और स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मेरे साथ है महिंद्रा XUV300। बहुत ही दमदार प्रोडक्ट महिंद्रा की तरफ से। तो चलिए जानते हैं इस गाड़ी के बारे में डिटेल में। शुरुआत करते हैं महिंद्रा XUV300 के की के साथ। इसमें आपको दो स्मार्ट की देखने को मिल जाएगा, जिसमें लॉक अनलॉक के बटन के साथ साथ सायरन बटन भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूजफुल फीचर है। अब बढ़ते हैं इस कार के फ्रंट डिजाइन की तरफ। फ्रंट में आपको काफ़ी ज़्यादा क्रोम वर्क देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ सेंटर में महिंद्रा का लोगो। अब आते हैं इस कार के DRL के ऊपर। इस कार का DRL बहुत ही अच्छा सेटअप में है। नीचे फोग लैंप तक ये डाउन साइड में आता है और दूर से काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखता है। इस कार में आपको ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जो कि हैलोजन सेटअप में आते हैं। साथ ही साथ उसके साइड में इंडिकेटर और नीचे फोग लैंप मिल जाता है। मैं आपको बता दूं, इस कार में फर्स्ट इन सेगमेंट फ्रंट 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो कि सेफ्टी वाइज काफ़ी बेहतरीन फीचर है। साथ ही साथ इस कार के टॉप मॉडल W8 ऑप्शनल में आपको नीचे वाले ग्रिल में भी क्रोम वर्क देखने को मिल जाएगा, जो कि इस कार को बहुत ही अच्छा लुक देता है। अब बढ़ते हैं इस कार के साइड डिजाइन की तरफ। साइड से ये कार काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन दिखता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट इन सेगमेंट इसके फ्रंट और रियर दोनों व्हील में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। ऊपर के तरफ आपको रूफ में इंटीग्रेटेड रूफ रेल मिल जाता है, जो कि इस कार का लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। साथ ही साथ नीचे में सबसे मेन इसके 17 इंच के डायमंड कट डुअल टोन एलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन दिखते हैं। इस कार के ड्राइवर साइड डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिख जाता है, जिससे कार के केबिन में एंट्री लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। साथ ही साथ इसके ORBM जो कि इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल हैं। मैं आपको बता दूं, इस कार में आपको रेन सेंसिंग वाइपर भी मिल जाते हैं। अब बढ़ते हैं इस कार के रियर डिज़ाइन की तरफ। रियर से इस कार का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। साथ ही साथ इसमें आपको LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, इस कार के बेस मॉडल से आपको फुली LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ एक साइड में आपको W8 का बैजिंग और एक साइड में XUV300 का बैजिंग मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। साथ ही साथ इस कार में आपको पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, उसके जस्ट ऊपर में महिंद्रा का लोगो। साथ ही साथ वाइपर और डिफॉगर भी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ बम्पर, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके LED टेल लैंप का डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ऊपर की तरफ आपको स्पॉइलर और स्मार्ट एंड स्मॉल साइज का एंटीना मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है इस कार को। अब बढ़ते हैं इस कार के बूट स्पेस की तरफ। इस कार में आपको लोवेस्ट इन सेगमेंट 257 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है। साथ ही साथ इसका लोडिंग लिफ्ट बहुत ही ज़्यादा है। इस कार में आपको 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, जिसे आप फोल्ड करके अपना लगेज स्पेस ज़्यादा कर सकते हैं। पढ़ते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के ऊपर। महिंद्रा XUV300 को दो टाइप के इंजन में ऑफर करता है। पहला 1.2 लीटर टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 109 BHP पावर और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करता है, और दूसरा 1.5 लीटर टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 115 BHP पावर और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करता है। मैं आपको बता दूँ, इस कार का पेट्रोल इंजन ARAI माइलेज तकरीबन 17 किलोमीटर पर लीटर का और डीजल इंजन ARAI माइलेज तकरीबन 20 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी क्लेम करता है। इस कार का दोनों इंजन 6 गियर ऑटोमेटिक और 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस कार का डीजल इंजन काफ़ी रिलायबल और पंची है। XUV300 का लेंथ 3995 mm, विड्थ 1821 mm और हाइट 1627 mm का है। साथ ही साथ इस कार में बेस्ट इन सेगमेंट व्हील बेस मिल जाता है, जो कि 2600 mm का है, जिससे अंदर केबिन में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है, जिसे महिंद्रा थोड़ा बढ़ा सकता था। अब चलते हैं इस कार के अंदर और देखते हैं इस कार का अंदर से लुक। ड्राइवर साइड डोर में आपको पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ ड्राइवर साइड आपको वन टच अप एंड वन टच डाउन का फीचर मिल जाता है। उसके जस्ट सामने आपको ORBM के कंट्रोल मिल जाते हैं। ऊपर में क्रोम का फिनिशिंग बहुत ही बेहतरीन है।
साथ ही साथ ड्राइवर साइड सीट हाइट और रिक्लाइन दोनों तरफ से एडजस्टेबल है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सीट की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, ये लेदर सीट है और इनका कुशनिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है इस कार में। इस कार का इंटीरियर बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही प्रीमियम लगता है। मुझे पर्सनली इसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। बाएं साइड में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और दाहिने साइड में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल साथ ही साथ अन्य कंट्रोल के बटन्स मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आपको इलेक्ट्रिक IRBM मिल जाएगा, जो कि नाइट ड्राइविंग में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके टच स्क्रीन का सेटअप बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल लगता है। यह टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ आता है, साथ ही साथ यह एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको GPS नेविगेशन इनबिल्ट मिल जाएंगे। अब नीचे की तरफ आपको फर्स्ट इन सेगमेंट डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन फीचर है। इस तरफ आपको ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, जो कि काफ़ी डीप स्टोरेज के साथ आता है। साथ ही साथ इसमें आपको यूटिलिटी के लिए लाइट भी दे दिया है महिंद्रा ने। उसके जस्ट ऊपर आपको मोबाइल वगैरह रखने के लिए एक छोटा सा स्पेस मिल गया है। साथ ही साथ इधर आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। उसके जस्ट नीचे आपको काफ़ी डीप स्टोरेज है, जिसमें आप अपनी ज़रूरत के सामान रख सकते हैं, वॉलेट वगैरह। साथ ही साथ उसके जस्ट आगे आपको 2 ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया हैं। ऊपर में सनरूफ के कंट्रोल, इस कार में सनरूफ भी आता है, जो कि काफ़ी ब्रॉड और बढ़िया है। मैं अभी सनरूफ खोल रहा हूँ और बाहर से सनरूफ का ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ, कैसा दिखता है यह सनरूफ बाहर से देखते हैं। अभी बाहर से बहुत ही अच्छा दिखता है और बहुत ही वाइड है इसका सनरूफ। यह सनरूफ एंटी पिंच फंक्शन के साथ आता है, जो कि बहुत बढ़िया फीचर है। इस तरफ आपको ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर मिल जाता है विथ लाइट, साथ ही साथ ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विथ लाइट, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। साथ ही साथ इस कार में रिवर्स पार्किंग कैमरा विथ डायनेमिक गाइडलाइन मिल जाता है और इसमें आपको वॉइस असिस्ट का भी फीचर मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन फीचर है। अब इस तरफ आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट और USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। अब ये है इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक तरफ RPM और एक तरफ स्पीडोमीटर, जो कि एनालॉग है। सेंटर में आपको एक छोटा सा स्क्रीन मिल जाता है, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि ट्रिप मीटर, क्लॉक, एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइम, फ्यूल कंजम्पशन, साथ ही साथ अन्य फीचर मिल जाते हैं। इस तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल, जो कि ऑटोमेटिक हैं, और इस तरफ आपको हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे, जो कि ये भी ऑटोमेटिक है और इसका टच एंड फील बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूं, इसका स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आता है, जो कि पावर असिस्ट इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है। अब बढ़ते हैं इस कार के रियर सीट की तरफ और देखते हैं कि कैसा है वहाँ पे स्पेस। इसके रियर डोर में आपको पावर विंडो के कंट्रोल, साथ ही साथ डोर माउंटेड आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि लेदर स्टिचिंग के साथ आता है और बहुत ही बेहतरीन लगता है। इस कार का रियर सीट काफ़ी ब्रॉड है और इसका थाई सपोर्ट बहुत ही बेहतरीन है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा कुशनिंग ऑफर करता है। मैं आपको बता दूँ, इसमें 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि इस सेगमेंट के किसी अन्य कार में ऑफर नहीं किया जाता है। साथ ही साथ इसके सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है और जर्नी को काफ़ी कंफर्टेबल कर देता है। हालांकि इसके रियर में कोई भी AC वेंट नहीं दिया गया है, लेकिन इस गाड़ी का ओवरऑल कंफर्ट बहुत ही बेहतरीन है और इसमें बैठने से काफ़ी ज़्यादा एयरी फील होता है। ख़ास तौर पर इसका जो कलर है, इंटीरियर कलर, बहुत ही बेहतरीन लगता है। यह इस कार के डैशबोर्ड का लुक रियर सीट से काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है और काफ़ी स्टाइलिश प्रीमियम लग रहा है। अब बढ़ते हैं सेफ्टी फीचर्स के ऊपर। मैं आपको बता दूं, महिंद्रा XUV300 ग्लोबल NCAP में 5-star रेटिंग अचीव किया था, साथ ही साथ 16.42 आउट ऑफ 17 स्कोर किया था, जो कि अभी तक भारतीय कंपनी के किसी भी कार ने आज तक अचीव नहीं किया। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कार कितना ज़्यादा मजबूत है। साथ ही साथ यह कार अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा 7 एयरबैग ऑफर करता है, जो कि सेफ्टी वाइज
बहुत ही बेहतरीन है। इस कार में आपको मिडिल रियर 3-point सीट बेल्ट, मिडिल रियर हेडरेस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, सेंटर लॉक, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि इस कार को अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा कार बना देता है। अब आते हैं इस कार के प्राइस के ऊपर। इस कार का 1.2 W4 बेस मॉडल का एक्स शोरूम कीमत 7,95,963 रुपये से शुरू होके 1.5 W8 ऑप्शनल ऑटोमेटिक डुअल टोन टॉप मॉडल का कीमत एक्स शोरूम तकरीबन 13,46,202 रुपया है। महिंद्रा XUV300 पे 3 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर का वारंटी दे रहा है। साथ ही साथ आप अपने चॉइस के अनुसार इसे 2 ईयर एक्सटेंड कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ऐड किया है, अगर मुझसे कुछ छूटा हो तो उसके लिए सॉरी। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।